जनपद के भारत नेपाल के सुनौली सीमा पर आज इमिग्रेशन की टीम ने फर्जी वीजा के साथ एक अमेरिकन नागरिक को गिरफ्तार किया। सुनौली पुलिस ने पकड़े गए अमेरिकन नागरिक एरिक डेनियल कैथविक के खिलाफ 419, 420, 467, 468, 471 में 14 विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की। बताते चले पुलिस की गिरफ्त में पकड़ा गया युवक अमेरिका का नागरिक है जो आज सुनौली सीमा से कूटरचित तरीके से बनाया गया फर्जी वीजा दिखाकर नेपाल जाने के फिराक में था। उसी दौरान इमिग्रेशन की टीम ने जाँच के दौरान पकड़ा गया अमेरिकन नागरिक एरिक डेनियल कैथविक का वीजा और पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई थी। इसके बाद वो मोबाइल ऐप से तैयार कर कूटरचित उसके वीजा एक्सपायरी डेट को परिवर्तित कर सुनौली इमिग्रेशन के माध्यम से नेपाल जाने के फिराक में था। दिनांक 29/3/23 को भारत नेपाल सीमा पर स्थित इमिग्रेशन ऑफिस में संबंधित अधिकारी द्वारा एक अमेरिकी विदेशी नागरिक एरिक डेनियल के डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा था। जब उसके पेपर्स को चेक किया गया तो उसने यह बताया कि उसका पासपोर्ट खो गया है तथा उसने अपना पुराना वीजा प्रस्तुत किया। जब उसकी वीजा की वैलिडिटी को चेक किया गया तो ये पता चला कि वो अंतिम बार भारत में जून 2018 में आया तथा मार्च 2019 में वापस चला गया था, लेकिन वीजा की जो एक्चुअल वैलिडिटी तिथि थी वह 2009 से 2019 के बीच ही मान्य थी, लेकिन उसने एडिट कर उसे 2018 से 2028 कर दिया था। जब उससे और पूछताछ की गई उसने यह बताया कि उसने अपना पासपोर्ट और वीजा जो पुराना था उसे जला दिया था और एडिट कर उसने कूटरचित तरीके से नया वीजा बना लिया था जिसका वो भारत आने और अन्य प्रयोग में इस्तेमाल करता था। इस तरह से भारत में अवैध रूप से बिना लीगल डॉक्यूमेंट के या बिना एक्चुअल वीजा के प्रवेश करने तथा यहाँ रहने के संबंध में थाना सोनौली पर उक्त विदेशी नागरिक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा इस संबंध में अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों को भी जानकारी दी।